जगदीशपुर विधायक के पीए विजय कुमार के साथ थाना अध्यक्ष द्वारा धक्का मुक्की और बस सलूकी की गई। विजय कुमार थाने में भवनी राय गांव के देव टोला में दो लोगों के बीच हुए विवाद को सुलझाने के लिए गए थे। विजय द्वारा थानाध्यक्ष से कहा गया कि समझौता कराना है। इसी को लेकर थानाध्यक्ष द्वारा विधायक के पीए विजय कुमार को धक्का मुक्की की गई और बस सलूकी की गई और हाथ भी मड़ोड़ा गया। आरोप है कि थानाध्यक्ष ने समझौते को लेकर 10,000 की मांग की थी। इससे गुस्साए विधायक ने कार्यकर्ताओं के साथ थाना परगना पर धरना शुरू कर दिया। विधायक ने अंचल इंस्पेक्टर भी वार्ता की। विधायक ने अंचल इंस्पेक्टर से भी बात की लेकिन फिर भी विधायक नहीं माने। विधायक से अंचल इंस्पेक्टर ने भी बात की लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद जगदीशपुर SDOP थाना पहुंचे, विधायक से घटना की जानकारी ली और समझाने का प्रयास किया लेकिन फिर भी विधायक नहीं माने। विधायक का कहना है कि इसको सरेंडर किया जाए और इस पर कार्रवाई की जाए। इंस्पेक्टर हमें झोलाचाप ना समझे, अपना वेतन गरीबों में बांटते हैं। 9 साल के कार्यकाल के आज तक किसी थाने में नहीं आते। 9 साल के कार्यकाल में आज तक किसी थाने में नहीं आए हैं। मेरे अंदर 8 थाने हैं। पीए और कार्यकर्ताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। कार्यकर्ताओं की बदौलत ही विधायक है। जब कार्यकर्ता को मान सम्मान नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे। फिर जगदीशपुर विधायक और भोजपुर SP की बातचीत हुई, उसके बाद धरना समाप्त हुआ। सुधीर कुमार की जगदीशपुर से रिपोर्ट। यहाँ के इंस्पेक्टर जो है प्रभारी, उन्होंने पब्लिक को अनावश्यक परेशान करते हैं, इसीलिए हम लोग धरना पर बैठे थे। रिक्वेस्ट में हमारा ये आया था कि उसको भी इन्होंने अपमान करना, इसलिए हमने कहा कि थाना प्रभारी को हटाया जाए। एसपी साहब ने कहा कि हम 48 घंटे में हटा देंगे, नहीं तो फिर हम लोग वहाँ जिला में धरना देंगे। आपके पीए के साथ क्या हुआ था घटना? अरे उसको क्या किया, उसका मर्डर किया है। अरे हाथे लगा दिया, ऐसे कहा हटे जाओ तो कम बात है। पीए का मतलब क्या होता है? विधायक का पीए का मतलब क्या होता है? उसको जो विधायक का जो अथी होता है उसी पर ना पीए चलता है, पीए अपने मन से। और वो आप लोग विजय के बारे में नहीं जानते हैं कितना सीधा लड़का है वो, अपना मन से कोई बात करता है किसी से। एसपी से सर बात हुई, आपको क्या आश्वासन? एसपी साहब से बात हुई, क्या आश्वासन? एसपी साहब ने कहा कि हम 48 घंटे में खड़ा देंगे इसको।